दोस्तों यहाँ पर ये लड़की लड़के से सामान ले लेती है और जब पैसे देने की बारी आती है तो वो उसे पैसे नहीं देती। उसके बाद लड़की पैसे देने की बजाय उसे परेशान करने लगती है। वो लड़का बोलता है मैडम बस चली जाएगी, तभी बस कंडक्टर ये सब देख लेता है। तभी यह बस रोकने के लिए कहता है और उसके पास जाता है और बोलता है क्या हुआ। तब लड़का बोलता है मैडम ने सामान ले लिया मगर पैसे नहीं दिए, तो वो उसे अपने साथ ले जाता है। और तभी उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो। तभी बस कंडक्टर बोलता है मैडम आपने इसके पैसे क्यों नहीं दिए। तभी लड़की बोलती है अबे ओ तुझे तो मैंने 500 रुपया भी दिए। झूठ बोलता है तुझे बताऊं। तो बस कंडक्टर बोलता है मैं अभी पुलिस बुलाऊं, मैं वहां खड़ा होकर तेरी सारी हरकतें देख रहा था। अरे मैडम आप तो पढ़ी लिखी हो, 10-20 रुपए बचाने के चक्कर में इसके साथ ऐसी हरकत करती हो। मान लो अभी ये गाड़ी के नीचे आ गया होता तो इसका जिम्मेदार कौन होता। अरे मैडम ये लोग गरीब लोग है, मुश्किल से दिन में 100-200 कमाते हैं। अरे आप इतना शर्म करो, रात के 12 बजे आपको कुछ खाने को मिल रहा है। अरे आपको पैसा नहीं देना था तो मांग के खा लेती। ये गरीब तो जरूर है लेकिन दिल का बहुत बड़ा है। तभी बस कंडक्टर अपनी जेब से पैसे निकाल कर दे देता है। दोस्तों क्या बस कंडक्टर ने लड़के के साथ सही किया।